हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग। हम लोग आज कर रहे हैं पालम विहार एस ब्लॉक में। ये 214 स्क्वायर यार्ड है 3 BHK। बताना चाहूंगा ये हो गया लॉबी एरिया, ये फर्स्ट बेडरूम हो गया इसका, ये पाउडर रूम हो गया, बट ये कॉमन है दोनों वॉशरूम से। एक ये अटैच्ड ये आपको जस्ट किचन हो गया, और ये आपको सेकेंड बेडरूम हो गया, और ये थर्ड बेडरूम हो गया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट बेडरूम। आप देख सकते हो इसमें फॉल सीलिंग का डिजाइन उन्होंने दिया हुआ है, काफी देख सकते हैं फॉल सीलिंग का डिजाइन काफी अच्छा है इसका, डिजाइन काफी प्यारा है। इसमें एसी के प्रोविजन भी दिए हुए हैं, बड़े से ग्लास लगे हुए हैं, और पूरी में टाइल लगी हुई है। ये टाइल्स आप देख सकते हो कि मतलब अच्छी क्वालिटी की लग रही है देखने में। और ये हो गया इसका वार्डरोब एरिया, जो कि मैं दिखाना चाहूंगा इसको कि इसमें सारे बने हुए हैं आपको रखने के लिए, चीजों को रखने के लिए स्पेस। इवन ऊपर में भी है सारे, यहाँ पे भी कुछ आप मतलब हैंग कर सकते हो इसको, और नीचे में भी काफी स्पेसियस है। ये इसका वार्डरोब हो गया, और ये स्लाइडर वार्डरोब है जो कि आप देख सकते हो, इसका डिजाइन ऐसा है लुक वार्डरोब का। इसमें ये अटैच्ड वॉशरूम है जो कि कॉमन, ये कॉमन वॉशरूम है। तो ये इसका पाउडर रूम हो गया, ये अटैच्ड है ये फर्स्ट बेडरूम से, और इससे भी अटैच्ड है। फिटिंग इसमें सारे जैगवार के मिल रहे हैं, इसमें सारे फिटिंग जो है जैगवार के लगे हुए हैं जो कि आप देख सकते हो। और इसमें आपको नीचे में वैनिटी भी मिल रही है, और यहाँ पे कमोड भी है, ये भी वॉल माउंटेड है, ये भी आपको जैगवार के मिल रहा है इसमें। और इसमें सारे फिटिंग्स सारे जैगवार की। ये टाइल का डिजाइन हो गया जो कि आप देख सकते हो, टाइल्स देखने में काफी अच्छी लगी है। और इसका जस्ट एक वॉक अराउंड में करा रहा हूँ आपको इस वॉशरूम का। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट बेडरूम अटैच बैल्कनी, ये इससे अटैच बैल्कनी हो गया इसका जो कि आप ये देख सकते हो। इसमें भी टाइल्स लगी हुई है, पूरी फ्लोर टाइल्स लगी हुई है, और ये आप देख सकते हो इसमें भी काफी अच्छी काम करी गई है। इसमें भी साड़ी में ग्लास लगी हुई है, और ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, व्यू भी काफी अच्छा है पालम विहार एच ब्लॉक का। ये इसमें भी आपको स्टील की रेलिंग मिल रही है जो कि आप देख सकते हो। मूविंग ऑन टू द सेकेंड बेडरूम, ये इसका सेकेंड बेडरूम हो गया। मूविंग ऑन टू सेकेंड बेडरूम, ये इसका सेकेंड बेडरूम हो गया। इसका फॉल सीलिंग का डिजाइन आप देख सकते हो, कॉबिंग भी इसमें करी गई है, और ये इसमें इसका फ्लोर टाइल्स लगी हुई है। डिजाइन काफी एलिगेंट है इसका फ्लोर टाइल्स का। और ये इसका स्लाइडर वार्डरोब हो गया, जो कि इसका भी प्रोविजन आपको मिल रहा है। ये स्लाइडर है वार्डरोब, एक बार दिखाना चाहूंगा आपको इसको। इसमें सारे कुछ बने हुए हैं, और डिजाइन भी काफी अच्छा है इसका, और ये काफी स्पेसियस है। सेम उस तरह भी ऐसा ही है, उस तरह भी मैं दिखाता हूँ आपको। इधर भी सेम ऐसा ही बना हुआ है जो कि आप देख सकते हो। ये इसका जस्ट लुक हो गया। अब मूविंग ऑन टू दी अटैच्ड वॉशरूम, इसके साथ ही वॉशरूम अटैच्ड है। इसमें भी आपको स्लाइडर कवर्ड मिल रही है जो कि आप देख सकते हो। इसमें आपको सारे जैगवार के मिल रहा है, इसमें कमोड मिल रहा है, सारे फिटिंग एंड और सारे आपको जैगवार के मिल रहा है इसमें। यहाँ नीचे आपको वैनिटी मिल जाएगी, ये भी जैगवार की है। यहाँ आपको पार्टीशन ग्लास भी लग जाएगी, एग्जॉस्ट भी मिल रही है आपको इसमें। मूविंग ऑन टू दी सेकेंड बेडरूम बैल्कनी, ये इसका सेकेंड बेडरूम का बैल्कनी है क्योंकि आप देख सकते हो एसी के प्रोविजन दिए हुए हैं सारे कुछ। यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है, और इधर भी स्पेस काफी छूटा हुआ है, और यहाँ भी सारे कुछ ग्रिल लगी हुई है। मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम, ये इसका थर्ड बेडरूम हो गया जो कि आप देख सकते हो। फॉल सीलिंग का डिजाइन काफी एलिगेंट है, और इसमें आपको टाइल्स की प्रोविजन मिल रही है, और इससे अटैच्ड ये कवर्ड है जो मैंने दिखाया था, सेम साइज का ही कवर्ड है।
एक बड़ी मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। ये इसका हो गया कवर्ड का। और ये इससे अटैच्ड ये जस्ट वॉशरूम है। सारे फिटिंग्स एंड ऑल जयवाल की मिलेंगी। नीचे वैनिटी मिल जाएगी आपको। टाइल्स भी काफी अच्छी लगेंगी इसमें। सारे फिटिंग जयवाल के हैं इसमें। मूविंग ऑन टू दी बैक साइड बैल्कनी। सेकेंड बेडरूम से थर्ड बेडरूम से दोनों से अटैच्ड है बैक साइड बैल्कनी, जो कि आप देख सकते हो। मूविंग ऑन टू दी किचन एरिया। इसमें फैन उन सब फैन का प्रोविजन दिया हुआ है इसमें। ये इसका लॉबी एरिया हो गया, ड्राइंग एरिया इसको बोल सकते हो। इसमें भी आपको एसी का प्रोविजन मिल रहा है। और ये लॉबी एरिया हो गया, इसमें भी टाइल्स लगी हुई है। इससे अटैच्ड ये फ्रंट बैल्कनी हो गया, जो कि आप देख सकते हो। मूविंग ऑन टू द किचन एरिया। ये इसका किचन एरिया है। फ्लोर टाइल्स लगी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। और सारी फिटिंग्स इसमें मिलेंगी आपको जैगुआर के। फैन मिल रही है, चिमनी मिल रही है, ग्रेनाइट लगी हुई है इसमें, वो भी आप देख सकते हैं। सारे बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें। इधर में टाइल्स लगी हुई है सारे में। ग्रीन की इसमें आपको चिमनी मिल रही है। यहाँ पे भी सेम बने हुए सारे बॉक्सेस। फिटिंग सारे जैगुआर के हैं इसमें। यहाँ भी आरओ के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, आरओ लगा सकते हो यहाँ। और यहाँ पे बर्तन वर्तन को उसके सूखने के लिए यहाँ पे रख सकते हो, धो के मतलब साफ करके आप यहाँ रख दो। और इसमें भी काफी बड़ी सी बनी हुई है, इवन काफी स्पेस दिया हुआ है इसमें। और नीचे में आप देख सकते हो ये जो प्लेटफॉर्म पे पूरा आपको जस्ट ग्रेनाइट लगी हुई है। इस पे फ्रिज का स्पेस ये हो गया, ये फ्रिज का स्पेस हो गया। काफी बड़ा स्पेस है, प्रोविजन दिया हुआ है उसका। और यहाँ पे सारे कुछ बने हुए हैं आपको, सारे सॉफ्ट क्लोज हैं। ये कटलरी रखने के लिए सारा कुछ बनी हुई है आपको। यहाँ भी स्पेस काफी बड़ा है इसका भी, जो कि आप देख सकते हो। ये सारे सॉफ्ट क्लोज हैं। तो ये था फ्रेंड्स पालम विहार, ये एच ब्लॉक 214 स्क्वायर यार्ड 3 BHK। अच्छा लगा वीडियो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दें। ऐसा वीडियो मैं लाता रहूंगा आपके लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।